ये इस तरह से आपके पास जैसे कोई सी भी स्टैंडी आती है, 43 इंच आती है, 55 इंच आती है या 32 इंच आती है, इस तरह से आएगी आपके पास। सबसे पहले इसको आपको जो ये पावर प्लग होता है ये इंसर्ट करना है उसके अंदर। अगर उसमें बटन है तो इसको बटन से चालू कर दीजिए और ये अपने आप ही ये ऑन हो जाएगी, ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाती है अपने आप ही। ये आपका अपना सॉफ्टवेयर चलने लग गया। और ये हमारे द्वारा जो डाली हुई वीडियो होती है चेक करने के लिए वो डाल कर रखी हुई है, वो दिखाई दे रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको अपना कंटेंट, मान लीजिए आपको अपना कंटेंट इसके अंदर चलाना है, तो पेन ड्राइव लेकर, पेन ड्राइव 16 GB की पेन ड्राइव मैक्सिमम होनी चाहिए। पेन ड्राइव के अंदर आपको एक स्लाइड शो नाम से फोल्डर बनाना है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा किस नाम से है, स्मॉल लेटर में रहना चाहिए बिना किसी गैप के, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा वो। अब ये मान लीजिए इस पेन ड्राइव को तभी लगाना है जब इसके अंदर ये कंटेंट प्ले हो रहा हो, पहले लगा के तब चालू नहीं करना है, पहले जैसे चालू हो जाए ये कंटेंट फिर ये आपको अपनी पेन ड्राइव लगाना है। पेन ड्राइव के लिए दो इस तरह से स्लॉट बने रहते हैं, किसी भी एक स्लॉट में लगा दीजिए और आगे देखिए। जैसे ही आपने ये लगाया आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा एक्सटर्नल डिवाइस का, और ये आपका ये जो भी कंटेंट रहेगा ये कॉपी कर लेगा अपने आप ही और पहले वाली फाइल्स को वो डिलीट कर देगा। इस तरह से ये आपकी इसमें 3 फाइल्स हैं, अपने आप ही ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेंगी। और ये आपका कंटेंट चलने लग जाएगा इस तरह से। ये जो है हमारा एक बेसिक, मतलब पूरा जो रहता है स्टैंडी को शुरू से लेके एंड तक का प्रोसेस। पर इन केस अगर इसमें मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है कि आपने स्टैंडी को चलाया और ये प्ले नहीं कर रहा है, मान लीजिए अभी मैं आपको जैसे दिखाता हूँ बाकी इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूँ।